गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे कंफर्म कराएं कि सभी के पास मेरी आवाज आ रही है ठीक से। निहारी यस सर, आ रही है सर आवाज। यस निहारी सर, चलिए ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कल हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कल की बिल्कुल क्लास में सर, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से पढ़ लिया था, उसके बारे में जान लिया था बहुत सारी चीजें। और एक चीज आपने बेटा ध्यान देनी है, यहाँ पे आपने दो डायग्राम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनाने हैं। पहला डायग्राम तो ये है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम आपने बनाना है अपनी नोटबुक में। और जो दूसरा डायग्राम जो इसकी साइड में आपको बनाना है वो है आपका ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। ये दो डायग्राम्स आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा कि देर आर सो मैनी ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। मेनली क्या चीज प्रेजेंट थी वहां पे, मेनली आपने देखा क्या 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 चीजें होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, बताओ जल्दी। नोज होती है, नेजल कैविटी, फंक्शन नेजल कैविटी, और उसके अलावा फेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और सर, ब्रोंकाई ओपेट्रियम और रहता है, एलिवियोली, डायफ्राम। हाँ, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई और डायाफ्राग्म होते हैं। स्क्रीन आ रही है ना सभी के पास, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी के पास? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से एयर आपके लंग्स तक पहुंचती है, आपके ब्लड तक पहुंचती है, आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर पहुंचती है। तो सबसे पहले हमने देखा एयर एंटर्स इनटू द नोस्ट्रिल्स, है ना। नोस्ट्रिल्स क्या है, आपकी नोज के अंदर होल्स होते हैं, उनको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज में जाएगी, नेसल पैसेज के बाद नेसल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जाएगी ये ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे देखो एक चीज ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। ब्रोंकाई के बाद कहाँ पे जाएगी, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स के बाद लंग्स। हाँ वैसे कोई ठीक है, वैसे करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रोंकाई है वो किसके अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। और लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है वो दोबारा से डिवाइड हो जाती है ना। लंग्स के अंदर जब ब्रोंकाई दोबारा डिवाइड करेंगी तो क्या बना देती है, ब्रोंकियोल्स बना देती है, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के बाद बनते हैं आपके जो टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स को, उसको हम क्या बोला था, सर एल्वियोलाई ऐसे बोला लिखने का था। चेंज करने हैं ये। चेंज नहीं करने बेटा, सही है। ये जो ट्रेचिया है, ट्रेचिया आपने देखा होगा, ट्रेचिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब ट्रेचिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, आपके लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। लंग्स लंग्स के अंदर जाके जो ब्रोंकाई थे ये दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं, और दोबारा से डिवाइड होके क्या फॉर्म करते हैं, ब्रोंकियोल्स फॉर्म करते हैं। और ब्रोंकियोल्स के एंड पार्ट पे प्रेजेंट होता है आपका एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन है, एयर है, किसके अंदर चली जाती है, हमारी ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये है राइट सीक्वेंस, ये राइट सीक्वेंस एक नंबर में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ठीक को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा ब्रीदिंग मैकेनिज्म, कि जब हम सांस लेते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से एयर अंदर इनहेल होती है
और किस तरीके से एक्सहेल होती है। एक्सहेल मतलब एयर का बाहर निकलना, इनहेल का मतलब एयर को अंदर लेके जाना। तो इनहेल और एक्सहेलिंग की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ब्रीदिंग नाम दिया था। तो लेट्स टॉक अबाउट ये ब्रीदिंग कैसे होती है। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स कंट्रोल्ड बाय डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टेलिस मसल्स। देखो डायाफ्राम के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। डायाफ्राम क्या बताया था बेटा, डायाफ्राम बताओ जल्दी, डायाफ्राम के बारे में क्या बताया था। सर वो चीज जो ऊपर के लंग्स को और लंग्स के नीचे वाले पार्ट को अलग करते हैं। हाँ, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है डायाफ्राम जो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ये देखो ये हमारे क्या है, लंग्स है चेस्ट कैविटी के अंदर और यहाँ पे क्या है डायाफ्राम है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है ठीक है। और इंटरकोस्टेलिस मसल्स होते हैं आपकी जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, रिब्स की जो मसल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टेलिस मसल्स। तो ये दोनों के दोनों मसल्स, ये दोनों की दोनों मसल्स हमें ब्रीदिंग करने में हेल्प करती हैं, सांस को अंदर खींचने में हेल्प करती हैं, सांस को बाहर छोड़ने में मदद करती हैं ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप सांस अंदर खींचते हो तो आपके चेस्ट कैविटी में मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है, सांस छोड़ते हो जब भी एक मूवमेंट होती है। तो ये जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है, मसल्स की वजह से है, डायाफ्राम की वजह से है और इंटरकोस्टेलिस मसल्स की वजह से है ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डायाफ्राम, मैंने आपको बता दिया था एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपके थोरेसिक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। जब डायाफ्राम मूव्स डाउन तो क्या होता है बेटा, तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं। लंग्स कैसे हो जाते हैं, उसका एरिया बढ़ जाता है। जैसे आप, आपको पता है ना जब आप सांस खींचते हो तो आपका जो चेस्ट की कैविटी है वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है और उसके अंदर हवा भर जाती है ठीक है। एयर इज इनहेल्ड, मतलब जब आप सांस लेते हो तो डायाफ्राम कहाँ जाएगा, मूव अप या मूव डाउन। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो बेटा, डायग्राम को बड़ी ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे डायाफ्राम, तो डायाफ्राम जब नीचे की तरफ मूव करेगा, डायाफ्राम जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे जो चेस्ट वाली कैविटी है ये क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, स्प्रेड हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। और एक्सपेंड जब डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसी डायरेक्शन में एयर बड़ी आसानी से हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी ठीक है। जब ये चीज आपने ध्यान रखनी है, व्हेन डायाफ्राम मूव्स डाउन तो हमारे फेफड़ों का, हमारे लंग्स का एरिया बढ़ जाता है और एयर उसके अंदर चली जाती है ठीक है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, जब क्या होता है, आप देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर जो डायाफ्राम है ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, लंग्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, एरिया इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हवा इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये है बेटा आपका ब्रीदिंग ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म है ना। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आपने देखा इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सांस लेना, एक्सलेशन मतलब सांस छोड़ना। तो इनहेलेशन एक्सलेशन में डिफरेंस क्या है, ये देखो यहाँ पे इनहेलेशन के दौरान आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है और आपका जो चेस्ट कैविटी है वो कैसा हो जाता है बेटा, जब डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है चेस्ट है एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने से क्या होगा, हवा बढ़ जाएगी उसके अंदर ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा, एक्सेलेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी ठीक है। थोरेसिक कैविटी विल कॉन्ट्रैक्ट और एक सेकंड बेटा, एक मिनट,
स्क्रीन आ रही है बेटे सभी के पास? यस सर। यस सर। हाँ तो देखो, इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं वो, जब आपको पता है ना, जब सांस लेते हैं तो आपकी जो पसलियां हैं, रिब्स है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। यस सर। तो रिब्स लिफ्ट अपवर्ड है ना, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी पसलियां नीचे की तरफ मूव करती हैं। तो जब आप सांस लेते हो, डायाफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है शेप में, वो सीधा सा हो जाता है बिल्कुल, है ना। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है? डोम शेप का, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे कैसा हो गया ये? डोम शेप, गुंबद के आकार का हो जाता है। जब सांस शेप तो नहीं है जो आपने पहले बताया, ये कंपैरेटिवली फ्लैट है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे एक तो शेप ऐसा है, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा वैसा बना हुआ है, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा और नीचे आती कर्व है ना, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो डायाफ्राम कैसा हो जाता है? थोड़ा फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम का जो शेप है वो ऐसा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। जब आपके लंग्स में एयर जाती है तो जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब निकलती है एयर तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ गए बेटा डिफरेंसेस आप सभी को? यस सर। यस। ठीक है बेटा, तो आपका रेस्पिरेशन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन असाइनमेंट, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं मैं एक बार रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ इसमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ वन वर्ड हैं, और कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उन सभी ने अपनी नोटबुक में करना है, आपके पास लगभग 4 दिन में कर लो इनको कम्प्लीट। ठीक है, चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस। मंडे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place. इसका आंसर बताओ बेटा, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि पाइरुवेट, साइटोप्लाज्म नहीं, ये कह रहा है कि पाइरुवेट ब्रेकडाउन होता है CO2 वाटर एनर्जी बनाने के लिए, तो ये प्रोसेस कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि ग्लूकोज पाइरुवेट में कहां पर ब्रेक डाउन होता है तो क्या आंसर आता? अगर मान लो क्वेश्चन, अगर मान लो क्वेश्चन ये होता कि ग्लूकोज पाइरुवेट में कहां पर ब्रेक होता है तो क्या आंसर देते उसका? फिर उसके बाद है बेटा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको करा रखे हैं, तो आपने लिखने हैं। उसके बाद नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिखो जो एनारोबिक करते हैं, एक एग्जाम्पल बता दो जो एनारोबिक करते हैं। अमीबा और यीस्ट हो गया, यीस्ट है ना, यीस्ट हो गया, और यीस्ट के अलावा बैक्टीरिया हो गया। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। उसके बाद है, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी एनसीईआरटी का है, ये भी आपने करना है, क्योंकि एल्वियोलाई का मैंने आपको बताया था, एल्वियोला का क्या फंक्शन होता है? द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई इज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कर लेता है ये? एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर में छोड़, वो ब्लड में छोड़ देता। हाँ, फिर अगला है क्वेश्चन, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन? ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है मैंने आपको, है ना, कि ऑक्सी ये जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट क्यों है। ठीक है, उसके बाद एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल, मतलब व्हाट एडवांटेज
over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard of obtaining oxygen for respiration? मतलब अब मुझे बताओ जो ब्रीदिंग रेट है, इस तरीके से आंसर देना है आपने इसमें कि जो ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है या एक्वेटिक में ज्यादा होता है? टेरेस्ट्रियल। हाँ टेरेस्ट्रियल। और जो मोर एनर्जी है वो कहाँ पे बनेगी? मोर एनर्जी का प्रोडक्शन, मोर एनर्जी का प्रोडक्शन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होता है ना, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मोर होती है, मोर ऑक्सीजन होगी तो मोर एनर्जी बनेगी। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, इसको कैसे सॉल्व करोगे? पता नहीं, बताओ बेटा इसको कैसे सॉल्व करोगे? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? अरे क्यों नहीं आता बेटा यहाँ पे, बताओ सर क्यों नहीं आता? करवाया तो हुआ, आता क्यों नहीं है? What are the different ways in which glucose is oxidized? Yes, sir. अरे नहीं पता, देख ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट होता है किसमें? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरुवेट। अब पाइरुवेट। सर पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लेकिन कह रहा है कि वेरियस ऑर्गेनिज्म में क्या कंडीशन हो सकती है? पाइरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिले तो क्या कंडीशन होगी, अगर मान लो ऑक्सीजन ना मिले तो क्या कंडीशन होगी, वो सारी रिएक्शंस लिखनी है। मतलब आपने एनारोबिक वाली रिएक्शंस लिखनी है और एरोबिक वाली रिएक्शंस लिखनी है आपको, है ना? ट्रेंड में क्या लिखा था आपने? डिफरेंट वेज पूछा है बेटा यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग वेज पूछे हैं कि जो ग्लूकोज है इसमें कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, अगर पाइरुवेट में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, O2 प्रेजेंट, अगर O2 प्रेजेंट है तो क्या होगा, पाइरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पाइरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर और एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बनेगी। अगर यीस्ट की सेल में अगर बात करें तो यीस्ट की सेल में क्या बन जाएगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और CO2 बनाएगा प्लस में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, इस तरीके से आपने ये करना है। फिर उसके बाद हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन? सर कब तक करने क्वेश्चन? आप 4 दिन में सबमिट करा देना इनको, ठीक है, इन क्वेश्चंस को 4 दिन में सबमिट कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है, अपने एक नोटबुक में कर लेना उसको, ठीक है, असाइनमेंट की एक नोटबुक बना लो और उसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, है ना, कुछ इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फेयर नोटबुक के पीछे कर लेना असाइनमेंट्स को। हाँ फेयर नोटबुक के पीछे कर लो, अगर ज्यादा बेटर ये रहेगा कि असाइनमेंट की एक अलग नोटबुक बना लो, उसमें वो सारे क्वेश्चंस लिख मैं करवा दिया करूंगा जो सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन करा दिया। ओके सर। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए है ना, ये सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने रेस्पिरेशन कंप्लीट करा लिया तो ये जितने भी क्वेश्चंस है रेस्पिरेशन के ही दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन इसमें वन वर्ड वाले भी हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा है नेम द ऑर्गन इन ऑफ ब्रीदिंग इन फिश, फिश में ब्रीदिंग का ऑर्गन का नाम बताओ क्या होता है? गिल्स होते हैं, है ना। एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू अपने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है? अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। और एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ या ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो ब्रीदिंग के लिए सिंपल डिफ्यूजन पे डिपेंड होता है? याद आ रहा हो तो ब्रीदिंग इन अमीबा, अमीबा कैसे रेस्पिरेशन करता है? सिंपल डिफ्यूजन से करता है। दो ऐसे एनिमल्स के नाम बताओ, एनिमल मतलब फिश,
जो गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स कौन किस किस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिश में और प्रॉन्स में होते हैं, ठीक है, फिश में होते हैं, प्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं गिल्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि ट्रेचिया लोअर एंड पे डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं उन ट्यूब्स को? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहते हैं, है ना। ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, सर आंसर की भेजोगे इनको आप? पहले आप इनको सॉल्व करो, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उनके ही आंसर में भेजूंगा। ठीक है ना, जो जो क्वेश्चन आप आपको दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, उनके आंसर में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब एक जैसे ये क्वेश्चन है, वेयर डज द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, इसका क्या आंसर आएगा? ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो ऑक्सीजन है वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है? सर टोटल कितने क्वेश्चन है सर ये? टोटल है बेटा ये 62। अच्छा रेड पिगमेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को ब्लड से कैरी करती है। बताओ बेटा उस रेड पिगमेंट का नाम बताओ जो ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करती है। सर वो है सर वो एल क्या? हीमोग्लोबिन होती है बेटा, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? रेड होता है। और हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा? जो ब्लड है ऑक्सीजन को कैसे कहाँ से अब्जॉर्ब करता है? एल्वियोलाई में से लेता है। कहाँ से लेता है वो? हाँ सर ये कहने वाले थे। हाँ 38 का आंसर एल्वियोलाई है, 39 का आंसर हीमोग्लोबिन है। और जैसे इसका भी आंसर एल्वियोलाई आएगा, वेयर इन द लंग्स डज द एक्सचेंज टेक प्लेस, इसका भी आंसर क्या आएगा? एल्वियोलाई। 41 का भी आंसर एल्वियोलाई आएगा, नेम ऑफ टाइनी एयर सैक एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल इन द लंग्स। विंड पाइप का दूसरा नाम सर असाइनमेंट के सर आंसर कर दे सर को। क्या बेटा? सर क्वेश्चन उतारने जरूरी है, सिर्फ आंसर लिख लेना, कर दे सिर्फ आंसर, आंसर लिख लेना। सर क्वेश्चन कहां से लेंगे फिर? क्वेश्चन ये भेजूंगा मैं इनको, पर हम सर प्रिंट निकलवा लेंगे नो का। हां प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है बेटा, कोई कोई दिक्कत नहीं। आप इनका क्वेश्चन का प्रिंट निकलवा लेना और सिर्फ आंसर आंसर लिख लेना। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, कल इनको सॉल्व कर लेना, तो कल बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल एक नई टॉपिक की शुरुआत, नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। जैसे ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है चीजों का, जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसके ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के अलावा ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, है ना। और ब्लड वेसल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट, ब्लड वेसल्स दो तरीके की होती हैं, एक वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो कैसे मदद करती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इन क्वेश्चंस को मैं अभी भेज दे रहा हूं, ठीक है, तो आप इनको कर लेना। ओके बेटा। ओके सर। चलिए ठीक है, मैं एक बार अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ आप लोगों को। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ ले रहा हूँ बेटा, अटेंडेंस अभी मार्क कर रहा हूँ।